हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ना, ये लास्ट जो व्लॉग किया था मेरा, उसके ही आगे से मैं व्लॉग जो अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो वाला व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया था, तो इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में जो है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी दिन का टाइम हो रहा है। इससे पहले आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने कढ़ी बनाने के लिए जो मिक्सचर है वो, मतलब जो बैटर है वो मैंने रेडी कर लिया था जार में। और उसके अलावा यहाँ पर पकौड़ी भी बनाऊंगी, उसके लिए भी बेसन मैंने घोल के पहले ही रख लिया था। तो यहाँ पर अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। तो पकौड़ी मैं अभी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं एक जगह जो है कढ़ी बनाना, मतलब कढ़ी बनाने के लिए रख दूंगी। और जो पकौड़ी है वो मैं दूसरे फ्राई पैन में बनाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इस वजह से। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है मैंने, थोड़ा सा लिया है क्योंकि बाद में तड़का लगाऊंगी इसलिए। और आपको बता दूँ, बिना लहसुन प्याज के ही मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है आजकल श्राद्ध है तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हम लोग, तो इसलिए बिना लहसुन प्याज के कढ़ी बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि लहसुन प्याज से भी ज़्यादा अच्छी बिना लहसुन प्याज के बनती है। हाँ, मतलब हाँ से यही बोला मैंने कि लहसुन प्याज से ज़्यादा अच्छी जो है बिना लहसुन प्याज के ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में मेथी दाना, हींग, कड़ी पत्ता और दो लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और जब आप लौंग इसमें ऐड करो ना तो पीछे हो जाना एकदम से, क्योंकि वो एकदम से फटती हैं तो फेस पर आती है इसलिए। और यहाँ पर जो मट्ठा था वो 1 लीटर था, उसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच के बराबर बेसन ऐड कर दिया था। ये सब मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और यहाँ पर एक जो बॉटल है पूरी 1 लीटर की, वो भी तो 1 लीटर ही इसमें पानी गया, इसके बाद मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर ये जो बेसन का घोल है पकौड़े के लिए, ये मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन हुआ क्या कि पता नहीं बेसन तो कम था और पानी मेरे से ज़्यादा से पड़ गया, ये पता नहीं एकदम से बॉटल से पानी गिर गया तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो 2 चम्मच बेसन मैंने इसमें और ऐड करें, लेकिन हुआ क्या ये बेसन ऐड करने के बाद भी जैसे पकौड़ी का बैटर होता है ना वैसा नहीं बना, ये फिर भी आप देख रहे हो बिल्कुल बैटर ना बिल्कुल पतला सा हो गया है। तो मैंने इसको काफ़ी देर फेंटा लेकिन फिर भी ये पतला ही रहा, तो मुझे लगा इस बार पकौड़ी शायद अच्छी नहीं बनेगी। तो जैसे पकौड़ी मेरी बनती है गोल गोल, बिल्कुल गोल मटोल सी, तो वैसी तो नहीं बनी है, लेकिन खाने में ये बहुत अच्छी उड़ती, बिल्कुल भी हार्ड नहीं उड़ती, क्योंकि मेरे को मन में यही था कि पकौड़ी कहीं हार्ड ना हो जाए, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से फेंट दिया था। बस ये था कि ये पकौड़ी गोल गोल नहीं बनी है, चपटी सी बनी है, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो एक साइड जो है कढ़ी जो है बॉयल होने के लिए मैंने रख दी है, और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने पैन में जो है ऑयल लेकर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो 2 बैच में ये जो पकौड़ी है बन के रेडी हो गई थी। तो ये देखो, सुनहरा होने तक इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और पकेंगी भी नहीं अच्छे से, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए। तो एक बार की जो पकौड़ी है वो बन के तैयार हो गई है, अभी दूसरे बार की जो है वो भी मैं पका लूँगी। और यहाँ पर आज ना मैंने ये वाला जो कबर्ड है ना ये पूरा क्लीन करा था, तो जो क्लीन मीन्स की ऑर्गेनाइज करा था, ये काफ़ी ज़्यादा से फैला हुआ था। तो जो आप सामने देख रहे हो वो सारे कपड़े मैंने सुबह ही ठीक करके रखे थे, और ये वाले जो है ना इसमें हैंगर में साड़ियाँ वगैरह सब नीचे गिरी थी, क्योंकि अभी बीच में आप सबको पता है जैसे छोटी गुड़िया हमारे घर में ये तो नामकरण था, तो एक बार के लिए मैं साड़ी सोच रही थी इसलिए मैंने 1-2 साड़ी निकाली थी, और जल्दीबाजी में ना वो ऐसे ही रहने दी तो वो एक के ऊपर एक गिरती गई, और हैंगर में तो साड़ियाँ थी नहीं, सारी साड़ियाँ जो है नीचे आके गिरी हुई थी। तो सारी की सारी साड़ियों को मैंने अच्छे से फोल्ड करा और हैंगर में इन्हें हैंग कर दिया है मैंने। और ये ना मतलब वैसी साड़ियाँ हैं जो मैं फटाफट कभी कभी पहन लेती हूँ, और वैसे जो हैवी साड़ियाँ हैं वो मेरी दूसरी अलमीरा में रहती है और कुछ मेरे बेड में रहती हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे कपड़े जो हैं मैंने जो फैले हुए थे वो ही मैंने फोल्ड करे हैं यहाँ पर, और बाकी आप देख रहे हो अलमीरा में पहले से ही है। तो जब तक झोली वहाँ पर बन रही है ना तब तक मैंने कहा मैं इनको लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को था कि टाइम से जो है ना बन जाए वो, क्योंकि अगर झोली मीन्स
बीन्स की कढ़ी, तो अगर कढ़ी को पहले ही मतलब बनाने रख दो ना, तो जितना वो बनती है ना, बनती रहती है, करती रहती है, उतना वो टेस्टी होती है। तो मेरे को ये था कि मैं कपड़े वाला काम बाद में कर लूँगी और कढ़ी मैं जो है पहले चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए अब बस ये वाला जो कबर्ड है मेरा बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। इसके बगल में जो आप कबर्ड देख रहे हो वो आशी और सिया का है, तो वो भी मैं नेक्स्ट डे जो है अच्छे से उसको भी ऑर्गेनाइज कर दूंगी। एडिट करने लगी थी तो मैं ऐसे बंद करके चले गई थी, तो यहाँ पे अच्छे से उबल चुकी है ये। और अब इसमें फाइनल तड़का मैं लगाऊंगी। फाइनल तड़का मतलब ऐसे बोल रही हूँ, मतलब सिंपल सा ही लगाऊंगी, लेकिन टेस्ट अब आएगा इसमें, क्योंकि अभी सिर्फ ये खाली उबली ही है। तो अब मैं इसमें तड़का लगाने जा रही हूँ। उससे पहले ना यहाँ पे मैं ये जो पकौड़ी बनाई थी ये सारी इसमें ऐड कर दूंगी, और दो चार मैं आशी और प्ले रख देती हूँ। ये आशी और प्ले रख देती हूँ, बाकी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि इस बार ना पकौड़ी वैसी नहीं बनी जैसे हर बार मेरी बनती है पकौड़ियाँ ना, क्योंकि बैटर जो है वो हो गया था, पतला पतला सा हो गया था इसलिए। तो बस अब इसमें फटाफट से तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर जब कढ़ी पक गई थी, मतलब मैंने आधा पौना घंटा उसको पकाया था, उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ी ऐड कर दी है। और यहाँ पर दिया है मैंने घी, इसमें मैंने जो हींग, जीरा, साथ में जो सरसों के दाने होते हैं वो, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मिर्च मैंने उस टाइम पर ऐड नहीं करी थी, फिर ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं कसूरी मेथी। और गैस ना इस टाइम पर मैंने बंद कर दी है, क्योंकि कई बार तो नहीं, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गैस ना ऑन रही और उसने ना घी में जो है आग जैसी लग गई और पूरा मसाला काला, तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए अब मैं करती हूँ गैस पहले ही ऑफ कर देती हूँ जैसे ही तेल या घी गर्म होता है। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है और अब इसमें जो है तड़का लगा लेंगे। और तड़का लगाने के बाद जो कढ़ी का फ्लेवर है, टेस्ट है, बहुत ज़्यादा से अच्छा हो जाता है। तो ये हमारी डिलीशियस सी बिना लहसुन प्याज के कढ़ी, तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आप सबको मतलब इतना तो बोल ही सकती हूँ कि ये मुझे लहसुन प्याज से भी ज़्यादा से बिना लहसुन प्याज के ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बन चुकी है हमारी और सबके लिए, मतलब जैसे हम लोग निकालते हैं आजकल जो कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो पितरों के लिए, जैसे हम लोग गाय के लिए, कौवे के लिए निकालते हैं, वो मॉर्निंग में निकालते हैं, दिन में हम लोग ऐसे निकाल के साइड में देते हैं। और आजकल कान्हा जी भी खूब खाना अच्छे से, मतलब जो हम लोग रोज खाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लहसुन प्याज रहता है खाने में, तो हम रोज रोज तो दिन का खाना भोग नहीं लगा पाते हैं, जो राइस और दही कभी दूध के साथ ऐसे तो लगाते थे, लेकिन आजकल प्रॉपर खाना कान्हा जी भी हमारे खा रहे हैं, नहीं तो फिर वही दूध दही चलता था, दूध दही चावल इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी जो है खाना मेरा बन चुका है, बस मैंने राइस जो है वो भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर जो ये मैंने फ्रिज का ऊपर वाला डोर जो है वो क्लीन करा था, उसमें अब सारा सामान मैं रख रही हूँ। वैसे आपको सच बताऊं तो मुझे लग रहा था यहाँ पर कुछ एक्सपायरी चीज़ें भी होंगी, लेकिन एक्सपायरी सिर्फ एक दो ही थी, वो मैंने फेंक दी है, बाकी सब कुछ ठीक था। बस थोड़ा सा मसाले वगैरह जैसे गिर जाते हैं ना यहाँ पर, तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर जो है ये वाला चीज़, मतलब ये वाली जगह भी जो है अच्छे से क्लीन हो गई है। और फ्रिज तो मैंने आपको बताया था, मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले ही पूरा डीप क्लीन करा था, तो फ्रिज ऐसे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। मॉर्निंग सिया, गुड मॉर्निंग। क्या खा रहे हो आप, दिखाओ दिखाओ जल्दी, हाथ में क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, दिखा क्या है ये सफेद सफेद। अच्छा प्रसाद खा रही, प्रसाद
मैंने कहा होम्योपैथिक की गोलियां तो नहीं खा रही है। तो सिया उठ गई यहाँ पे और हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं। मम्मी जो है बाहर है, थोड़ा सा वो मिट्टी वगैरह है ना, मम्मी वहाँ पे सफाई कर रही है, आपको दिख रही होंगी, तो उधर बाहर है मम्मी, पानी से सफाई कर रही है मम्मी बाहर, और सिया इधर है और काम कुम हो चुके हैं यहाँ पे। अभी टाइम देखो कितने 9 बज रहे हैं, थोड़ा आज लेट हो गया। और यहाँ पे मैंने रखा है आलू, भी बॉईल हो गए यहाँ पे। एक्चुअली इसने सीटी नहीं मारी है तो मैंने ऐसे ही बॉईल कर दिए 4-5 आलू आशी और सिया के लिए। तो यहाँ पर ये है, और आटा इधर मैंने गूंद के पहले ही रख दिया था, और रात को बनाई थी हमने कद्दू की सब्जी, तो ये भी है, हम लोग ये खा लेंगे। हो गया आज क्या मेरे बेटे अफजल। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि आलू जो थे वो तो बॉईल हो चुके थे, लेकिन उनका ढक्कन मैंने हटाया नहीं था, और एकदम से जैसे भाप बनी हुई रहती है ना, वो भाप एकदम से मैंने ढक्कन हटाया हाथ से ही, तो इतनी जोर की आई, क्योंकि आप सभी को पता होगा जैसे कि रोटी की कभी भाप आती है या इन चीज़ों की ना बहुत जलन होती है हाथ में। तो मैंने ठंडे पानी से उसको जो है सेक लिया था, या आप बोलोगे ठंडे पानी में हाथ जो है वो कर लिए थे, तो थोड़ी देर में ठीक हो गया था ये। और इसके बाद मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर दिया है, वैसे तो वॉश करके ही चढ़ाए थे, लेकिन अभी गर्म बहुत थे इस वजह से मैंने इसको ठंडे पानी में 2-3 बार धो लिया था, उसके बाद भी ये गर्म ही थे। तो यहाँ पर अभी मैंने एक फोक ले लिया है और उसकी हेल्प से मैं जो है यहाँ पर आलू जो है छील लूँगी। ये जो आलू छीलने का तरीका है ना फोक लेके, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आलू के छिलके काफ़ी अच्छे हो निकलने में तो ठीक रहता है, अदरवाइज जैसे कि ये वाला आलू है ना, इसके छिलके काफ़ी ज़्यादा पतले हैं और आलू से बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे तो फोक का कुछ काम इसमें लगा नहीं, तो मैंने वो भी हटाया और नाइफ़ की हेल्प से फिर मैंने छीला आराम से, और फिर फटाफट से ये आलू छिल गए थे। तो बस इनको छीलूंगी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट। और आपको बता दूँ नेक्स्ट डे हो चुका है, आज संडे है तो सुबह का टाइम है ये, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ ये वाला, क्योंकि संडे होता है ना तो बच्चों को होता है कि कुछ स्पेशल चाहिए। वैसे तो हर रोज़ ही उनको स्कूल में भी, और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्पेशल था ही तो जो उनको अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं इनके लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। वैसे तो सब्जी थी लेकिन फिर भी उनको आलू का पराठा ही खाना था, क्योंकि पहले ही आशी और यानी मुझे बोल दिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, यहाँ पर आधा चुकंदर ले रही हूँ, उसको भी मैं ग्रेट कर रही हूँ, तो चुकंदर आधा इसलिए ले रही हूँ, फिर ज़्यादा लूँगी तो फिर वो थोड़ा नखरे ना करे, वैसे तो वो खा लेते हैं बीट रूट, लेकिन अभी आधा कटा हुआ था तो मैंने इसको ही यूज़ कर लिया, ताकि आलू के पराठे के साथ साथ थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन भी हो जाए कि चलो सुबह वो कुछ हेल्दी खा रहे हैं। तो इस तरह से सब्जियां भी मिक्स करके बच्चों को दे दो तो ठीक रहता है। तो इसमें मैंने अभी कुछ फालतू के मसाले नहीं, बहुत ही कम से नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में इसमें चाट मसाला ऐड करके, इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी कुछ नहीं करा है, सिंपल सा ऐसे ही रखा है। धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पत्ता था नहीं, और आजकल कोई भी सब्जी वाले भैया ना धनिया पत्ता देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं आ नहीं रहा है, बहुत महंगा आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो स्टफिंग है वो बन चुकी है पराठे की। यहाँ पर एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि एक साइड चाय बनती रहेगी, दूसरी साइड में नाश्ता बनाती रहूँगी। तो अभी पापा को मैंने पूछा था तो पापा ने मना कर दिया था ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा सा जल्दी हो रहा था इसलिए, तो फिर पापा थोड़ी देर में करेंगे, तब तक मैंने कहा चलो मैं सिया के लिए बना देती हूँ, क्योंकि वो तो उठ ही रखी थी। आशी अभी सोकर नहीं उठी थी और आज छुट्टी रहती है तो फिर वो आराम से ही उठते हैं, और दिन तो जल्दी उठ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बस अभी जो है जैसे हम लोग बनाते हैं कोई भी भरवा पराठा, वैसे ही ये वाला पराठा ही बनाना है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब जैसे होता है ना कभी बच्चे छोड़ देते हैं, वैसे बनाया तो उनके लिए था, लेकिन बच्चे कभी कभी कुछ जैसे आधा पराठा हस्बैंड ने छोड़ दिया था, तो उसमें से हम लोग जैसा टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है। और ऐसा नहीं है हम अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन सब्जी थी ना कद्दू की, तो फिर मैंने कहा फिर फालतू में मैं क्या ही आलू का पराठा बनाऊँ, तो फिर सब्जी रह जाएगी ऐसी, तो इस वजह से हमने तो सब्जी रोटी खाई थी। और पराठा तो ये होता है कभी कभी चल जाता है, बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन हम लोग फिर वही है रोज़ रोज़ पराठे पराठे नहीं चल पाते हैं, वो जाता है। तो यहाँ पर बस अब फट से मैं जो है पराठे अच्छे से सेक लूंगी, और बटर के साथ मैंने बच्चों को दिए थे तो इनको बहुत अच्छे भी लगे पराठे। और इसके अलावा अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो इसमें रेड चिली पाउडर या फिर इसमें हरी मिर्ची, कुछ भी मसाले ज़्यादा से ऐड कर सकते हैं बच्चे, लेकिन वो ये ना हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैं फिर सिंपल सा ही जैसा उनको पसंद है वैसा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी है, तो बस चाय भी एक तरफ रेडी है, तो सबसे पहले मैं सिया को ही दूंगी, उसके बाद आशी को भी उठा दिया था तो फिर वो भी फ्रेश होकर आ गई थी।
तो यहाँ पे मैं नहा भी चुकी हूँ, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज मैंने मशीन लगाई थी, वॉशिंग मशीन, क्योंकि आशी और सिया के स्कूल के कपड़े थे और एक दो बेडशीट भी थी, तो मैंने कहा चलो मशीन में ही धो देती हूँ। क्योंकि ना वैसे तो ड्रेस मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ, बहुत कम होता है कि मशीन में, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है मशीन में धोना भी सही रहता है, क्योंकि हाथ से कितनी भी अच्छे से धो लो ना थोड़ा सा रह ही जाता है। और बार बार ड्रेस में हर हफ्ते ही अगर हम लोग ब्रश मारते रहेंगे तो मुझे लगता है कपड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो इसलिए एक हफ्ता हाथ से और एक हफ्ते जो है उससे मशीन में धोना ठीक रहता है। तो इसलिए मैंने मशीन में कपड़े जो है वॉश कर दिए थे। और यहाँ पर आज पापा और सिया लगे हैं एक्वेरियम क्लीन करने में, तो इसको मतलब महीने दो महीने में पापा क्लीन करते हैं और पापा ही करते हैं ये। नहीं नहीं, नहीं। बना रही हूँ। नहीं और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे। दिन में ज़्यादा मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ ब्लॉग करने के लिए था नहीं, सिंपल था, वही खाना वगैरह खाया जैसा कि रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करा। अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा सा दिन में जैसे कि हम लोग रेस्ट करते ही हैं वो कर लिया था। और फिर मैं छत में जो है कपड़े लेने चली गई थी, तो कपड़े जब मैं लेकर आई तो पहले मैं ऊपर ही रख रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ, अभी तो चाय बनानी नहीं, 5 बजे ही चाय बनती है, तो मैं फटाफट से इनको फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी करना ही है, बाद में भी करना ही है, तो मैंने कहा चलो अभी ही कर लेती हूँ और थोड़ा सा ठीक भी रहेगा, ऊपर नहीं तो फिर कपड़े बहुत फैल जाते हैं, और आज कपड़े ज़्यादा भी थे तो फिर और फैले रहेंगे इसलिए। तो यहाँ पर जो भी कपड़े जो हैं वॉश करे थे वो सारे ही मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ, और आशी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया था कि मुझे कपड़े सीधे करके देते रहना, क्योंकि कपड़े ना उल्टे करके सुखाते हैं और फिर फोल्ड सीधे करके करो तो बहुत टाइम लगता है, आधा टाइम तो इनको सीधे करके फोल्ड करने में ही लग जाता है। और आपको बताऊँ पहले मैं ऐसे ही फोल्ड कर देती थी, मतलब उल्टा ही फोल्ड कर देती थी, तो फिर मेरी मम्मी ने जैसे वीडियो देखती थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी उल्टे कपड़े फोल्ड नहीं करके रखते हैं ऐसे, तो फिर मैंने कहा जब फिर सुन लो ना किसी के मुंह से, और शायद होता भी होगा। तो अब मैं जितने भी कपड़े हैं, अब तो खैर दो दो ढाई साल हो गए इस बात को, तो कपड़े कितना भी टाइम लगे मैं सीधा करके ही कपड़ों को जो है फोल्ड करती हूँ। वो कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, उन्हें अभी मैंने ऐसी रख दिया है टेबल पे ही, बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी सी और सो रहे थे इस वजह से वहाँ पे हल्ला होता। तो अभी शाम के ना जो है 5 बज चुके हैं और ये दिन के बर्तन हैं, इनको लगाना है मुझे, और साथ में मैं चाय भी रख दूंगी। और यहाँ पर अभी दिन के टाइम ही हमने जो है ना काले चने भी भिगो दिए थे, क्योंकि रात को काले चने बनेंगे, तो मम्मी बनाती हैं काले चने, तो वही है। और ये देखो अच्छे से भीग भी गए हैं, तो अगर इनको गर्म गर्म पानी में भिगोने रख दो ना, ये हो चाहे राजमा हो छोले हो, तो बहुत जल्दी से भीग जाते हैं, और ऐसा नहीं कि फिर बहुत सीटियाँ लगानी पड़ती है, आराम से भीग जाते हैं। तो बस इसे मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाय बनानी है, तो बस चाय भी बॉईल हो गई है, अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।